हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर। तो अभी इंटरनेट कैफे सिमुलेटर का एक नया अपडेट आया है और उसके बाद से अब अगर मैं देख रहा हूं यहां पर तो मैं लोड नहीं कर सकता अपना गेम, यानी कि अब मुझे दोबारा से एक नई स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और अपने कैफे का दोबारा से नाम डालना पड़ेगा। सब कुछ मतलब रीसेट हो चुका है, जैसा एक बार रेंच सिमुलेटर में हुआ था। तो जितनी मेहनत हुई थी, खैर इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं काम करना। तो अभी फटाफट से दुकान का नाम रखते हैं, दुकान कह रहा हूँ कैफ़े का नाम रखते हैं, उसके बाद से गेम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने अपने कैफ़े का नाम रख लिया है और हमारे कैफ़े का नाम है द ऑफलाइन कैफ़े। जबरदस्त नेम है। तो अभी गेम स्टार्ट होता है और उसके बाद से देखते हैं कि क्या क्या नया अपडेट हुआ है। खैर ये तो वही सारी चीज़ें, तो इसको हटा देते हैं उसके बाद से। अच्छा ओके, तो अभी मेरे को हंगर और नींद आ रही नहीं आ रही वो भी पता चलेगी। पहले एनर्जी तो पता चल जाती थी, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी घर, गद्दा, तकिया, सब वही सब कुछ है। और यहाँ पे एक लड़की बैठी है। ओके, तो ये मेरी वाइफ है तो ये रितु है। मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं आपको बताने वाला था कि क्या हुआ। तो मेरा इंटरनेट कैफे का काम बहुत अच्छा चल रहा था और सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से हो रहा था। माइनिंग मशीन रिग वगैरह रख ली थी, बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन तभी मेरी शादी तय हो गई और उसमें सारा कुछ इतनी महंगी, मतलब इतनी लग्जरी शादी कराई थी कि जितना सब कुछ था सारा कुछ बेच दिया। तो दोबारा से अब हम काम की स्टार्टिंग करते हैं। पहले इससे बात करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर ये तो फर्नीचर अपग्रेड, सैंड जॉब, और अच्छा मेरी वाइफ को भी मैं काम पे भेज सकता हूँ और उसकी मनी भी मैं ले सकता हूँ, ये बहुत सही चीज़ है। तो अब मेक चाइल्ड का भी आ रहा है, मतलब हम लोग बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और शायद उनको भी काम पे भेज के, तो अब मतलब इनकम और जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो पहले मेरा घर ये था, उसके बाद से ये है। मतलब $1,000 में कुछ खास ऐसा अपग्रेड तो मुझे लग नहीं रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद से सैंड जॉब में ओके अरे हाँ, तो अभी वो काम के मूड में है नहीं, तो अभी उसका मूड खराब है तो जॉब में भेज नहीं सकता उसको। लेकिन मैं तो बस इंटरव्यू के लिए भेज रहा था कि ताकि अभी इंटरव्यू दे दूं, कहीं जॉब वगैरह लग जाए उसके बाद से फिर देखते हैं, वरना अपने कैफे में ही लगा दूंगा बाद में अगर हमारा कैफे चल गया। कि अब जाके एक नई स्टार्टिंग है और अब मैं कोशिश करूंगा कि अभी एक बार हम लोग पहले सेकंड फ्लोर वाले पे चलते हैं कि देखते हैं कि क्या वो दोबारा से आ चुका है, वरना मेरे को दोबारा से उसकी शॉप उड़ाना पड़ेगी। तो मेरे को ये अब जाके ना जो पहली बार में गलतियां करी थी वो मुझे नहीं करनी, बहुत सोच समझ के काम करना है। ओके, तो इसका काम फिर से चल पड़ा है, मेरे को अपनी शॉप में जाना है और वहां जाके देखना है कि वहां का क्या हाल है। पहली बार हम लोगों ने अपग्रेड कर ली थी अपनी शॉप फुली, मतलब जितना हो सकता था चीज़ें नहीं रखी थी लेकिन अपग्रेड उसको अच्छे से कर लिया था। तो मुझे देखना है कि क्या हमारे पास थोड़ा सा स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा आया हुआ है या फिर कुछ। इतना मुझे पता है कि एक नया कुछ कैरेक्टर ऐड हुआ है जो हमको टास्क देते रहेगा, तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। और खाना वाना भी मुझे खाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से वो मुझे देखना है। एक बार इसकी शॉप देख लेते हैं। तो इसका तो वही पुराना कचरा भरा हुआ है, इसने मेरे पास $2,000, तो बहुत सोच समझ के खर्च करने पड़ेंगे। मेरा जो प्लान है आप लोग समझ ही गए होंगे, तो सबसे पहला मेरा प्लान ये ओके खाने का यहाँ पे स्टॉल खुल गया। मैं सोच रहा था यार कि खाली जगह है, इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया और $3, $4 मैक्स $4 का यहाँ पे है। मैं एक बार माइनिंग रेक देख के आता हूँ कि क्या वहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है क्या। नहीं नहीं, यहाँ पे सब कुछ यही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले शॉप जब तक ओपन करेंगे उससे पहले ना ग्राफिक कार्ड बाय कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक ये बाय करते हैं। ओके, पहले मेरे को बैगर को $100 दे के उससे लाइसेंस बाय करना पड़ा। ये वो कैरेक्टर है होबो। ओके, तो अभी तो इसके पास कुछ नहीं है, अभी ये खुद ही बीमार सा लग रहा है, बाद में देखेंगे कुछ देगा अगर ये काम। इसको मारते हैं और बैगर को मेरे को देना है $100 सबसे पहली। ओके, लाइसेंस ने मेरे को दे दिया शायद। अब जाके एक सेकंड में अपनी शॉप तो बंद कर लूं। और हाँ, अब जाके पुलिस वाले ना, ये जो पुलिस वाला है ये अंदर कैफे के अंदर आके भी चेक करेगा एक एक सामान। तो एक एक सामान तो नहीं बटा, अंदर आके चेक करने वाला है। तो डिफिकल्ट थोड़ा सा बना दिया तो कोई, लेकिन मजा भी आने वाला है क्योंकि ये गेम मेरे को काफी पसंद आई थी। अब जाके मैं यहाँ से माइनिंग रिग खरीदने वाला हूँ। अरे यार मेरे पास तो वो है ही नहीं बैग, एक एक करके मेरे को रखना पड़ेगा क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ जब तक मैं साफ सफाई करूँ ना हम लोग पैसे कमा लें। ओके, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अपना माइनिंग रिग मैं रखने वाला हूँ और थोड़े से दोबारा से निशान यहाँ पर लग चुके हैं, तो इनको भी कर देते हैं क्लियर। ओके, यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जाके मैं दोबारा से ना मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और मेरे को एक एक करके बाई करनी पड़ेगी। यार एक मैं छोटा सा बैग ले सकता हूँ क्या, या अभी ना पूरा का पूरा फोकस करता हूँ मैं माइनिंग रिग बाई करने में। माइनिंग रिग से हम लोग अर्न जल्दी कर पाएंगे ना, तो सही है। चलो फटाफट से माइनिंग रिग अपना एक कंप्लीट पूरा तैयार करते हैं। ओके, तो कंप्यूटर में भी वो $750 ही बचे मेरे पास, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। होस्ट वाला कुछ ऐड हुआ है यहाँ पे, एक वेबसाइट, एक सेकंड वेब ऐड हुई है। ओके, तो मैं अपने मेन कंप्यूटर को भी अपग्रेड कर सकता हूँ। चेयर, माउस, बहुत कुछ है हो चुका है यहाँ पे। इससे पहले कि मैं चक्कर खा के गिरूं, मैं सबसे पहले खाना खाने वाला हूँ। चलो यहाँ से हम लोग कुछ बाय करने वाले हैं। कैसे अच्छा कुछ, अच्छा वो खाली ऐसे डिस्प्ले के लिए, कुछ भी खा लूंगा मैं जो भी मेरे को मिलेगा। और ड्रिंक के लिए कुछ है क्या? नहीं नहीं ड्रिंक नहीं है, एनर्जी
लॉस हो रही है तो मेरे को सोना पड़ेगा थोड़ी देर में। ये बड़ा मतलब सरदर्दी है अभी और बीच बीच में ना सोने के लिए घर जाना पड़ेगा। तो मैं ना ट्राई कर रहा था कि अपना ये सेटअप तब तक कि मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा का पूरा ग्राफिक कार्ड सारे के सारे बाय कर पाऊंगा, कुछ और लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको सेटअप करके देख रहा था, लेकिन मेरे को ना सॉफ्टवेयर देखने थे कि कहाँ से मैंने उस टाइम पर डाउनलोड किए थे। वो LED वगैरह भी लगा सकते हैं जो मतलब मुझे लगता है कि बहुत सही लगने वाला है। ऐप्स ओके, तो यहाँ से सबसे पहले Spotify है, स्ट्रीम है, माइनर वाला मुझे करना है मेन, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो लगने वाला है नहीं, इसलिए मैं सारे कर रहा हूँ। वॉर क्राई एक नया पहले नहीं था, कमांड प्रॉम्प्ट भी था। वॉर क्राई हैक ये नया मेरे को लग रहा है। मेरे को मेनली ये चाहिए माइनर वाला, जिससे कि मैं अपना जो माइनिंग रिग है उसको स्टार्ट कर पाऊँ यहाँ से, क्योंकि हमको कोड मिलने वाला है। ओके, जैसे ही मैंने माइनर रिग ऑन किया वो वाला सॉफ्टवेयर लाइट चलेगी। और इसका भी मुझे पता है कि मेरे को शायद $1500 के अराउंड उसको बैगर को देने पड़ेंगे बाद में, अभी छोड़ते हैं। सेम प्रोसेस होगा कि पहले सेकंड फ्लोर वाले कॉम्पिटिटर को हटाओ, उसके बाद से उससे इलेक्ट्रिसिटी का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराना है। वो तो मतलब कन्फर्म है कि देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे उसको। ओके, तो यहाँ पर मेरे को कोड शायद मिल चुका है 3LO। ओके ठीक है, तो माइनिंग रिग मेरी ऑन हो चुकी है। और ना ये मेरे को अभी भी पता चला कि मेरे को दोबारा भूख लग गई है। मुझे लग रहा है कि मेरी जो सारे का सारा मेरा पैसा है ना वो खाने में ही खर्च होने वाला है। तब मैं वापस जा रहा हूँ घर सोने के लिए और चल भी नहीं पा रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैं ऐसा कुछ गाड़ी वाड़ी भी होनी चाहिए थी ना कि इनकेस अगर मैं चल नहीं पाया, चलने लायक नहीं रहा तो गाड़ी में तो एटलीस्ट घर पहुँच सकूँ। जो मेरी वाइफ घर में बैठी हुई थी, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मैं दुकान से वापस नहीं आया तो मुझे लेने भी आएगी। और ये ओके ब्लैकआउट हो चुका हूँ यार, ये मतलब बड़ी मुसीबत है। गेम ऑलरेडी सेव हो चुका है और एनर्जी वापस, एक सेकंड में दोबारा सो सकता हूँ क्या? नहीं अभी नहीं सो सकता, तो एक बार इसको काम पर भेजने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना तो मेरे को थोड़ा सा पैसा मिल सकता है। ओके, अभी भी इसका मूड ख़राब ही है, तो पता नहीं यार कैसे सही होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि इसको ना नया फर्नीचर चाहिए, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास $750 हैं और वो $750 मुझे 3-4 दिनों तक खाने के लिए चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। फिलहाल मैं यहाँ से एक और ग्राफिक कार्ड बाई करने वाला हूँ। $220, $500 का है क्या? एक बहुत ज़्यादा महंगा है यार। मैंने तो क्या सोचा था कि मैं एकदम ही पैसे कमाने लग जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पहली बार का नहीं पता कि पहली बार कितना सस्ता था कितना महंगा था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, पता चल रहा है कि महंगा है। तो यहाँ से इनकम देखता हूँ कि कितनी हो रही है, एक बार स्टार्ट करके यहाँ पर देखते हैं। इसको हटा लेते हैं, इसका काम हो चुका है, यहाँ पर चलते हैं। और सारी की सारी ऐप्स मैंने डाउनलोड कर ली है, अब जाके हम लोग चलते हैं क्रिप्टो में। और 30,000 इस बार माइनस में होने के बाद भी रेट क्रिप्टो के बिटकॉइन के रेट भी इन्होंने शायद बढ़ा दिए हैं। अभी पहले 27 था जब एकदम ऊपर रहता था, परसेंटेज प्लस में रहता था, अभी माइनस में भी ज़्यादा हो रहा है। तो अभी तो मेरे पास कितना हो रखा होगा, एक बार सेल करके देखूं क्या? $288। अबे यार बहुत टाइम लगने वाला है। अब ये वॉर क्राई हैक वाला ये क्या चीज़ है? ऑटो पोशन, ऑटो अटैक, ऑटो कलेक्ट, ये क्या चीज़ है यार? ये अभी ना मेरे समझ से बाहर है, तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर गूगल में अपनी ये क्या जीमेल वगैरह भी ओपन कर सकते हैं, ये क्यों खुली है मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब इसका क्या मतलब है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि एक काम करा जाए कि अभी तो मैं कुछ बाई नहीं कर सकता, या तो मैं वेट कर सकता हूँ, या फिर मैं जब तक वेट कर रहा हूँ, वेट तो मुझे करना ही है, तब तक मैं ट्राई करता हूँ कि कोई गेम क्रैक करने की, है ना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक बार ट्राई करते हैं गेम क्रैक करने की। सबसे पहले मैं भूल भी गया हूँ कि कैसा करना था, एक बार ट्राई करता हूँ। मुझे IP चाहिए, ओके तो यहाँ पर डालते हैं। ओके, तो हम लोग अभी ज्वाइन तो हो चुके हैं, अब यहाँ से इसको पहले हटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, तो गेम यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये वाला सबसे पहले मैंने उस टाइम पर किया हुआ था, हेलमेट गाय है, और ये वाला महंगा था। एक बार इसको ट्राई करता हूँ क्रैक करने की। क्रैक्स में क्रैकेबल गेम्स और ये सारे हैं, तो क्रैक करने का तरीका तो वही होगा ना, सेम। ठीक है, ओके, तो एक बार लास्ट टाइम पे भी मैंने ऐसे 15 किया था तो जल्दी क्रैक हो गया था, उसके बाद तो मैंने छोड़ ही दिया था। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि ये काम मुझे करना ही पड़ेगा पैसा अर्न करने के लिए, क्योंकि अभी अपना बिटकॉइन कुछ खास चल नहीं सकता, क्योंकि दो ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, एक ही बिटकॉइन सिस्टम है। और वेट करके शायद थोड़ी देर तक हो भी सकता है, यहाँ पर फोकस करते हैं क्योंकि ये मेन है। यहाँ से मैं CD बाई कर सकता हूँ $10 की, और बेच के हम लोग एटलीस्ट अपना जो आज का टास्क है मेरा वो तो मैं कंप्लीट करूं, क्योंकि वो टास्क ही मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी तक। ओके, सिस्टम ने मुझे डिटेक्ट कर लिया, तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए तो मैं गेम क्रैक वगैरह नहीं कर सकता। और ये चीज़ ना ये यहाँ पर आ रही है, अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो मैंने एक माइनिंग रिग और बाय की थी, लेकिन उसके बाद से पैसे हुए नहीं, तो ग्राफिक कार्ड बाय नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने ज़्यादा माइनिंग रिग होंगे शायद हम लोग उतना अर्न ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड से माइनिंग में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ फ़र्क, पता नहीं, मतलब जो भी है फ़िलहाल मैं ये सोचा था। बट अभी वो बैगर का मैंने देखा कि क्या उसने लिखा हुआ है, वो मुझे समझ में आ गया कि क्या है। तो लास्ट टाइम भी उसने मेरे को टास्क दिया था
जहाँ पर बोल रहा था कि एक बंदे को मारना है और उसके बाद उसने मेरे को $1500 दिए थे, शायद 1500 या 500 ऐसा कुछ था। तो अभी मुझे ना पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो मैं इसका काम एक्सेप्ट करने वाला हूँ। ओके, फैमिली लिखा हुआ जो बंदा लास्ट टाइम का था वही है, मुझे ढूंढना है बंदा जो गंजा होगा और उसके टी शर्ट में लिखा होगा फैमिली, वाइट कलर की टी शर्ट पहनी होगी, हमेशा वही पहनता है। तो बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को बंदा मिल ही नहीं रहा, और उस चक्कर में ना मेरी भूख बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे पहले खाना खाना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ कि ना किसी भी बंदे को पीट दूँ, क्योंकि मुझे वाइट फैमिली लिखा हुआ वाला बंदा तो दिख ही नहीं रहा कहीं पर। ये ओके फाइनली आ चुका है। ओके मर गया शायद, मर गया। ओके, तो बैगर कहाँ है हमारा? ओके, मिल गया। ओके, $200 इतने कम लास्ट टाइम पे, तो इतने पता नहीं यार, मुझे लास्ट टाइम पे ऐसा याद है कि इसने शायद 200 ही होंगे फिर पता नहीं, मुझे तो लगा 1500 है, इस चक्कर मैं भी काम करने में लगा हुआ था। फिलहाल ये बार बार, अब यार ये लाइट का चक्कर भी रहेगा, अभी मुझे उसको और पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो लाइट वाला प्रॉब्लम को मेरा सॉल्व कर दे। तो पैसा अर्न करने के लिए अभी मुझे एक काम करना पड़ा, मैंने ना, मेरे पास $200 थे, उससे मैं कुछ खरीद नहीं सकता था। मैंने एक और ग्राफिक कार्ड बाय किया और उसको एक और माइनिंग रिग में लगा दिया, यानी मेरे पास 3 ग्राफिक कार्ड है और 2 माइनिंग रिग है। जैसा भी काम करेंगे, फिलहाल हमारे पास टाइम, मैंने ना यहाँ पर रेड और ग्रीन वाले हॉर्स में ना बैट लगाई हुई है $100 की, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या उनमें से दोनों में से कोई भी घोड़ा जीतेगा तो शायद हमको पैसा मिलेगा। मुझे देखना भी है कि किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पर देखना है शायद यहाँ पर हमको दिखेगा। तो 17 सेकंड बचे हुए, नया कुछ अपडेट आया तो मैं चाहिए ट्राई कर लेते हैं। $200 में वैसे भी कुछ खास कर नहीं पाऊँगा, मैं अपने लिए कंप्यूटर वगैरह बाय तो कर नहीं सकता, मुझे वेट करना ही है, ना ही गेम क्रैक कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों किस्मत साथ नहीं दे रही। तो अभी फिलहाल रेस का आनंद लेते हैं और देखते हैं कि रेस स्टार्ट होगी क्या। ओके, मेरा ग्रीन वाला हॉर्स है और रेड है, 2 और 3 नंबर। एक सेकंड, ये इतने धीरे चल रहे हैं, अबे ये रोक क्यों ली इसने, 2 नंबर पे मेरा घोड़ा चल रहा है और मुझे नहीं पता कि कब ये रेस। अब यार विनर हो गया पिंक वाला जो पेस्टल कलर का घोड़ा था, तो $200 हम लोग हार चुके हैं। अब यार $200 अभी। ओके, दोबारा रेस स्टार्ट हो गई 6 मिनट में। अब अगर मैं यहाँ से बैट जीत गया तब जाके कुछ काम हो सकता है। 49 सेकंड्स बचे हुए हैं रेस स्टार्ट होने में और मेरे यहाँ पर $200 लगे हुए हैं इस वाले घोड़े में। अब अगर ये नहीं जीता ना सही, उसके बाद में अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई बैटिंग नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने अपनी बैट बढ़ा के कर दी है $400 पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा घोड़ा जीत जाएगा इस बार। कहीं ऐसा ना हो कि जिस बार एक बार ये जीता तो अब ये जीतेगा। मैंने इस पर लगाए हुए हैं $400 और हमको $400 के $800 मिलेंगे, तो अच्छा खासा अपना काम हो जाएगा। शायद 800 मिलने चाहिए जितने भी मिलेंगे। चलो फिलहाल मेरा वाला घोड़ा अभी नंबर 1 पर चल रहा है, बस ऐसा ही हो यार, ये आगे ही रहे। वो मेरा घोड़ा सेकंड नंबर पर, ओके शायद अभी भी चांसेस हैं कि हम लोग जीत सकते हैं। सेकंड से जी, मेरे को लग रहा है ये पछाड़ देगा मेरा वाला घोड़ा, मुझे लग रहा आगे आएगा। अबे कहाँ रह गया, उसको कैप्चर ही नहीं कर रहा, कोई कैमरे में ही कैद नहीं कर रहा उसको। ओके, निकलने वाला है। ओके अरे नहीं, पीछे से एक और घोड़ा। ये इतना जल्दी, ज़्यादा देर के लिए थका नहीं है, बहुत जल्दी इसकी एनर्जी वापस, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर बैटिंग करके, मैं बहुत पैसे हार चुका हूँ। विनर बन चुका है हमारा घोड़ा जो जिसमें मैंने पैसे लगाए नहीं थे। एक बार बैग देख के आता हूँ कि अगर मेरे को ऐसा कोई बैग मिल जाए जिसमें मैं 2-3 बैग भी तो बहुत महंगे हैं, $475 का, $1000 का, $3000 का और $2000 का। तो $475 इसमें लगाए होता अभी तक मेरा काम बन गया होता। लाइव देख रहा है बंदा, काम पर ध्यान नहीं है इसका। तो बैगर ने मुझे अभी एक काम दिया और वो एक काम ये है कि मुझे एक बग फिट करना है इसके टेबल के पीछे। वो मैं कैसे करूँगा वो मुझे, ओके लिसनिंग डिवाइस मैंने प्लेस कर लिया जिससे इनकी सारी की सारी बातें हमको सुनाई देगी। और ये बंदा अभी अच्छा खासा अर्न कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि धीरे धीरे इसका हम लोग बिजनेस पूरा ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट टाइम पे भी मैंने किया था, अभी भी हम लोग करने वाले हैं, और अभी मेरे पास $450 है। ओके, बैगर से मेरे को बात करनी है, मुझे पता है वो पैसे मांगेगा लेकिन हमारे फ़ायदे के लिए, बट अभी मेरे पास में पैसे नहीं है उसको। बट एक बार बात करके देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, मिलेगा कहाँ पर, बात करके देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक एटलीस्ट अपना कैफ़े ना ऑन करना, पहला दिन है तो कैफ़े तो ऑन कर ही लेना चाहिए मुझे हम लोग से। ओके अब जाके इसने मेरे को $400 दिए इस चीज़ के, ठीक है, बहुत काम आने वाले, क्योंकि अब जाके मुझे एक सिस्टम बाई करना है। बहुत टाइम से हो चुका है इंटरनेट कैफ़े, और जैसा मैं सोच रहा था ना कि पहले दिन ही हम लोग एकदम धमाका मचा देंगे, मतलब कि माइनिंग खरीद के खूब पैसा कमा देंगे। माइनिंग में टाइम लगता है बहुत,
ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। तो अभी मेरे पास $1400 हो चुके हैं, बहुत हैं। अब जाके हम लोग अपना एटलीस्ट जो टास्क है ना वो कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम पे बहुत ख़राब सिस्टम बाय किया था, तो सबसे पहले ना मैं मॉनिटर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मेरे पास चेयर और टेबल है, तो मैं मॉनिटर से स्टार्ट करता हूँ। अब अगर मैं इतना महंगा तो नहीं ले सकता यार, एटलीस्ट मैं LED $350 बहुत महंगा हो जाएगा ना। ये ले लेते हैं शायद, ये मुझे लग रहा है कि ठीक है अगर मैं ले पाया तो। 1700 नहीं, ये भी नहीं ले सकता, इसको भी छोड़ते हैं, कोई और सस्ता लेते हैं इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक ठाक हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बाद में सेल कर लेंगे। तो अभी मैं ले रहा हूँ 600 वाला, शायद इतना तो बाई कर ही लेंगे ना। ओके बाई कर लिया, तो थोड़ी देर में सामान पहुँचने वाला हो। बाकी क्रिप्टो वाला अपना काम ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जल्दबाजी ज़्यादा हो रही है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी जल्दी जल्दी पैसे कमा लूँ, इस वजह से ज़्यादा कम लग रहा है, लेकिन अन हो रहा है, अच्छा खासा अन हो रहा है। तो घोस्ट एक ऐप है हमारे पास, वहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि पुलिस वाला कब हमको चेकिंग के लिए आता है। तो हम लोग उस टाइम पे कुछ भी इलीगल काम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलरेडी मेरे को $500 का उसने कर दिया, क्योंकि माइनिंग पहले इलीगल नहीं थी, इलीगल हो चुकी है अभी, क्योंकि पहले वो कैफे के अंदर नहीं आता था, अब जाके पुलिस वाला कैफे के अंदर भी आ रहा है। फेक रिव्यू दिला सकते हैं खुद को, जो सही चीज़ है, कि पहले वाले जब जितना भी मैंने खेला था मेरे 4 भी हुए नहीं थे रेटिंग। और हाँ, ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि एक मॉड है जिसकी वजह से केयरसॉफ्ट ऐप में ऑटोमेटिकली वो जो कस्टमर आएंगे अप्रूव हो जाएंगे, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ बाद में बहुत काम आने वाली, फिलहाल ना कैफे ऑन कर लेते हैं। चलो देखते हैं कि पहला कस्टमर कौन आता है हमारा, और मेरे को वो बंदा यहाँ से हटाना पड़ेगा, पुलिस वाला है ना ये, अब चेकिंग करने आते रहेगा, और मेरे को बिल मतलब पे करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास अभी। देखते हैं कि पहला कस्टमर कौन आने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज वेंज तो करने वाला नहीं हूँ, बट मेरा मन कर रहा था कि मैं LED लगा दूँ क्या, अभी LED लगाने का मन कर रहा था, लेकिन नहीं। एक सेकेंड, अबे यार ये बंदा आ गया, पहला कस्टमर हमारा जो मुझे नहीं चाहिए था, ऐसा कस्टमर बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, लेकिन ये आ चुका है और इसने आके यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। मुझे इंतज़ार है अपने पहले कस्टमर का, जो मुझे लग रहा है कि ये भाई साहब है। ओके तो हमारा पहला कस्टमर आ चुका है, बस मुझे लगता है कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत टाइम तक के लिए रहे। ओके इसने मेरे को 2 घंटे के लिए आया हुआ है। ओके ओके तो सबसे पहले तो हमको कॉन्ग्रेचुलेट बोला हुआ है, बहुत देर बाद कैफ़े ऑन किया, मतलब ऑन करने से पहले ही, कैफ़े ऑन करने से पहले ही पहले ही दिन इल्लीगल काम करने स्टार्ट कर दिए। देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। ओके तो हैकिंग वगैरह कर रहा है क्या कुछ। अब जाके ये वाला माइनर भी मैंने बाई कर लिया, अब मुझे नहीं पता कि किससे ज़्यादा अर्न कर पाते हैं, बट ठीक है अभी हम लोग धीरे धीरे करके पैसे अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं। और एक कस्टमर भी आ चुका है जो रेटिंग हमारी 3 से लेके 1 कर चुका है यार, ये तो मतलब हद ही हो गई। मैं पांडा हायर कर लूँ क्या, अभी नहीं कर पाऊँगा ना पांडा हायर में, अगर कर पाता तो बहुत सही रहता, बट कि हायर कर सकता हूँ यार, नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे नहीं आता, ये जब फटना होता है ना तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कि ये एकदम आके फट जाता है। तो देखो पांडा कब तक पहुँचेगा हमारा, पांडा मैंने ऑर्डर तो कर लिया था, पांडा आएगा तो शायद कस्टमर मेरे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट ओके ओके पांडा आ रहा है, चलो मैं लेने के लिए चलता हूँ, उसको रिसीव करने चलता हूँ। चलिए ऐसे सीधे सीधे, और हाँ ये वाले पत्थर में रखना पैर, ओके अभी इस वाले में रखना है, अब दाएं पैर चलाओ, ओके ओके इसको चलना सिखा रहा हूँ मैं, ओके सही सही, लोगों से टकराना नहीं है। अच्छा बीच से निकल सकते हैं, ओके फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आर पार निकल जाते हैं। ओके तो देखता हूँ रिहर्सल करेगा, स्टार्ट हो जाएगा सीधे ही। अरे वाह हमारा पांडा स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं कि कितना इफेक्टिव रहता है। कस्टमर ये भागा भागा दौड़ा चला आ रहा है, ये वाला कस्टमर अब बुलाना, बस और कुछ भी बुला लो, इस पर तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। आएगा कोई कस्टमर, अरे वाह एक और कस्टमर आया, सेकंड कस्टमर। इस बार मैंने सोचा था अच्छे तरीके से काम करूंगा, उतना तो नहीं हो पा रहा, लेकिन ठीक ठाक हो रहा है। अब बाउंसर भी नहीं चाहिए मुझे अभी छोड़ दो इसको, तो फिलहाल इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। फिर से एक बार मैं ब्लैकआउट हो चुका हूँ, मतलब ये चीज़ मेरे को, अरे ये पोछा मैं घर में लेके आ चुका हूँ अपने, एक सेकंड इसके मुंह पर लगा दूँ क्या पोछा, इसका अभी भी मूड ख़राब ही चल रहा है इसका, तो ठीक है करते हैं कुछ, करते हैं तुम्हारा भी रुक जाओ, एक दो जगह तुम्हारा CV दिया हुआ है, जल्दी तुम्हारी जॉब लगेगी, फटाफट से लिफ्ट आ जाए, मेरे को निकलना है यहाँ से, यहाँ से मैंने बहुत पैसे गंवाए। एक सेकंड ये क्या कुछ कह रहा है क्या, 1500 रुपये दो तो हमारा कॉम्पिटिशन ख़त्म होगा, लेकिन $14 मेरे पास खुद है, मैं $1500 कैसे दे सकता हूँ यार। और मैं कैफे छोड़, अबे यार ये काम नहीं कर रहा मुझे, मैं अच्छा ब्लैकआउट हुआ था ना, तो मैं क्या कर सकता था, कुछ देगा हो वो मेरे को काम, अभी नहीं दे रहा यार। ये मुझे लग रहा है कि जब ना थोड़ा सा बड़े काम, मुझे लगता है कि देने वाला है जब हम थोड़ा से 2.8, अबे नेगेटिव देने वाले भी तो हैं, कम थोड़ा ना है, खुद ही दे के चले जा रहे हैं,
क्योंकि मेरे कैफे के काम ही ऐसे हो रहे हैं अभी। $610, इसका साफ मतलब है कि ओके एक और कस्टमर आई है, ठीक है आइए इधर बैठिए। ओके अप्रूवल कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं इसको, ठीक है 2 घंटे का है, ठीक है। तो अभी एक काम करता हूँ मैं, एक और ना ग्राफिक कार्ड लेके आ जाता हूँ, लाते रहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग बहुत जल्द अर्न करने वाले हैं और बहुत कुछ काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब जाके ज़्यादा ग्राफिक कार्ड रखने से मुझे इतना तो पता चल रहा है कि हम लोग जो माइनिंग है वो ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, इसका मतलब हम लोग ना थोड़ा सा ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अभी हम लोग धीरे धीरे, मतलब आज ही मैंने बहुत पैसा अर्न कर लिया पहले के कंपेरिजन में। एक और कस्टमर आया हमारा, तो इसको भी कर देते हैं अप्रूव। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना कैफ़े बंद करके, आज के लिए हो चुका है काफ़ी, क्योंकि पता फ़ायदा बहुत हुआ पांडा को रखने से। और दूसरा मैंने अपनी ये वाली स्किल बढ़ा ली कैफ़े वाली में, ये वाली, तो इससे कस्टमर थोड़ा हमारे ज़्यादा आएंगे। अब बस मुझे 2 ग्राफिक कार्ड और बाई करने और उसके बाद हाँ आप लोग मेरे को ये बताना कि क्या ये वाले माइनिंग रिंग में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर इस वाले में है, क्योंकि महंगा भी है। इसके पास ग्राफिक कार्ड एक ही बचा हुआ है, अब यार मुझे सोना पड़ जाएगा, पता नहीं मेरे को एक बार ना सोने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 2 लेने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार में ही 2 लूँ, फटाफट से सो के आते हैं, उसके बाद से ये 2 ग्राफिक कार्ड यहाँ से बाई करने वाला हूँ। चलो $1000 कमा के लेके आ रखा हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरी वाइफ का मूड अभी अच्छा हो चुका है मुझे नहीं पता, बट ना ही नहीं मैं एक काम करने वाला हूँ, मैंने अभी $1000 माइनिंग तो हम अर्न कर लेंगे इससे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं कैफे तो बंद कर ही लिया, तो मैं सबसे पहले इसका ना सोफ़ा अपग्रेड कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए, मेरे को मैं चाहता हूँ कि इसका मूड थोड़ा सा ठीक रहे। एक्टिवेट, एक्टिव, ओके एक्टिव हो चुका है। ओके तो अब जाके टेक मनी मेक चाइल्ड कर सकता हूँ, नहीं ओके बैड मूड कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा ये तो नहीं पता, या तो मेरे को फ्रिज भरना पड़ेगा, इसमें तो कुछ है नहीं। ई इंटरेक्ट, ओके एफ, ओके अरे वाह ये बढ़िया है, अबे यार ये बड़ा सही चीज़ है। इतना ही मेरे को लग रहा ना यही कमी रह रही थी। ओके ये अपग्रेड हो गया हमारा सोफ़ा, जो हुक्का अभी भी वाईफाई वाला है क्या, अरे दीवारें बहुत सही हो गई यार, प्लेन और सिंपल अच्छा लग रहा है, लेकिन टॉयलेट, अरे बेड, अरे यार बेड बहुत सही हो चुका है मेरा। तो मेरे को ना बस एक बार ये देखना है कि क्या इसका मूड अब ठीक हुआ है, कैसे ठीक होगा मुझे नहीं पता, इतना मैंने कर लिया, इससे ज़्यादा अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो इसको मैं छोड़ता हूँ, ठीक है इसको मैं छोड़ता हूँ। और यहाँ पे खाना भी मैंने बहुत रख दिया, मतलब क्या इससे ज़्यादा क्या रखूँ मैं, हम यहाँ से बाय, मैं खा भी सकता हूँ क्या यहाँ से, नहीं मैं नहीं खा सकता, अपनी वाइफ के लिए मैंने रख दिया, जो सुबह से इस सोफ़ा, इसको मैं अपग्रेड भी नहीं कर पाया इस चक्कर में, यहाँ से उठी ही नहीं। तो अभी मुझे लगता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने ख़त्म कर लिए, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमको अर्न करने पड़ेंगे, और उसके बाद से माइनिंग रिग तो रखूँगा, पहले फोकस मेरा रहेगा माइनिंग रिग को मैक्सिमम करने का, या फिर साथ में मुझे लगता है कि कस्टमर भी आने चाहिए, कि उसी से हम लोग अपनी ये वाली स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि माइनिंग रिग तो एक टाइम बाद में ज़्यादा बाई नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा करेंगे कि माइनिंग रिग बाई करेंगे, उसके बाद से कुछ पीसी वगैरह लेंगे, और आज पैसे बहुत डुबाए मैंने हॉर्स रेस में, रेसिंग में बहुत पैसा डुबाया, किस्मत ख़राब चल रही थी, और वो जो उसको मेरे को बास्केट बेसबॉल देनी थी वो भी लेट हो गया था, तो उसको पसंद भी नहीं आया, पता नहीं कुछ उसमें भी गड़बड़ हुआ था। बट जो भी है आज का एपिसोड बहुत सही रहा, आई होप कि आप सभी लोग के वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।